उसको अलग को और भी डिपार्टमेंट्स में जाना है। हाँ तो उसको अलग को बहुत बहुत धन्यवाद बाप। पूरी यूनिवर्सिटी की हेड है तो उनको हर जगह जाना जरूरी है, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट के लिए ऐसे तो बहुत ही खास है मैम। नहीं भी आती लेकिन पकड़ के ले आते युवा दिवस है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो डे है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने ऐसे वक्त पे हुंकार भरा था, ऐसे वक्त पे आप विश्वास दिखाया था जब हम गुलाम थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हम सोच भी नहीं सकते थे इंडिपेंडेंस के बारे में। तब उन्होंने जाके शिकागो में हुंकार भरा और बताया कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसका लिगेसी जो है आज नहीं हजारों साल से, वैदिक काल से ही हमारा जो है लिगेसी रहा है। भले आज आप लोगों ने हमें गुलाम बनाया है, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया है, बट हमारा लिगेसी खत्म नहीं हुआ है और इन्होंने इसको साबित किया है। दो तीन वाकया है जिसके बारे में हम बताएंगे आपको, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे बहुत शरारती किस्म के बच्चे थे, जब बालपन इनका था तो काफ़ी शरारती थे। तो जब शुरू शुरू में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास आया शिक्षा ग्रहण करने के लिए या शिष्यता लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं हम तुम्हें शिष्य नहीं बना सकते। काफ़ी प्रयास के बाद उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि काफ़ी प्रयास के बाद मैं बार बार जाकर रामकृष्ण परमहंस के पास खड़ा हो जाता, लेकिन वो कभी भी हमको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि शिष्य के रूप में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक बार का वाकया है कि बहुत देर से खड़े थे रामकृष्ण परमहंस के सामने स्वामी विवेकानंद, और सामने एक जो है थाली में सेब रखा हुआ था और एक चाकू रखा हुआ था। तो उन्होंने जो है कहा कि ठीक है विवेकानंद, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा लेकिन एक परीक्षा है। बोले बताइए क्या परीक्षा है। तो बताए कि चलो एक छोटा सा काम मेरा कर दो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बताइए गुरु जी क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा कि ये चाकू आप जो है हमको दे दो, उठाके सामने रखा हुआ लूट नहीं सकते, उठा के दे दो। तो उन्होंने चाकू को उठाया, उठाकर सामने जो है रामकृष्ण परमहंस को दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह से ऑप्शन होते हैं चाकू उठाने का। पहला ऑप्शन है कि जो चाकू का धार है उसको हाथ में पकड़िए और सामने कीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि जो मुट्ठी है चाकू का उसको जो है आप पकड़ के दे सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो धार है उसको अपनी तरफ पकड़ के और सामने जो है रामकृष्ण परमहंस को दिया था। उसी दिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आज के बाद तुम मेरे शिष्य हो। जो कि युवा का पहला काम जो क्या है कि जो बोलते हैं कि शंकर भगवान जो शिव है वो शिव कैसे बने, महादेव कैसे बने, इसके पीछे का रीजन क्या है कि उन्होंने जहर का पान किया था। तो समाज में जो भी विद्रूपता है, जो भी अंधविश्वास है, उसको पीने का काम जो करेगा वो काम युवा ही कर सकता है। एक ऐसे कंट्री में हम लोग रहते हैं जो युवा भारत के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा युवा अगर किसी देश में है विश्व में तो वो हमारे देश में है। तो इसलिए ये दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है और हमारा भी काम क्या है कि हम हमेशा तैयार रहे कि समाज की भलाई कैसे होगा, जैसे समाज का उत्थान होगा, इसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी हम एक विकसित भारत के लिए जो है भूमिका तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज हम कितनों बोलते रहे
बट एक विकसित भारत तैयार नहीं हो सकता है जब तक कि युवा शक्ति नहीं जगेगा, जब तक कि आप सब नहीं जगेंगे। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप शिक्षा ग्रहण करें और समाज के विकास के लिए भी काम करें। दोनों काम होना चाहिए, अपना भी विकास होना चाहिए और समाज का भी विकास होना चाहिए। तभी जो है देश, बोलते हैं हम लोग कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2029 तक। कल ही बताइए निर्मला सीतारमण हमारे जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में है, तो उन्होंने बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 2029 तक 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा देश। किसके बदौलत? आपके बदौलत, युवा के बदौलत। तो आप सबको इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी जाकर देश विकसित हो सकता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्टिसिपेशन के लिए। और धन्यवाद पांडे सर। जो तूफानों में बनते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आज जब लगभग 11:30 बजे से चाहे वो इकोनॉमिक्स विभाग हो या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट लगातार पोस्टर मेकिंग में लगे रहे, कुछ बच्चे स्पीच प्रिपेयर कर रहे थे और अचानक 1-2 घंटे में बच्चों ने सारी तैयारियां कर ली है, तो हो गया है ना तैयारी? आवाज नहीं आ रही है? हो गई है। तो चलिए, आप जिसका हमें इंतजार था, क्योंकि शिक्षाविदों की राय तो हम जान चुके हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, जो युवा है वो क्या सोचते हैं, अब उसकी बारी है। तो मैं अब चाहूंगी कि आप बच्चे जो हैं भाषण के लिए रेडी हो जाएं, तो उस कड़ी में जो सबसे पहले आज हमारे बीच अपने वक्तव्य को रखेंगे वो हैं मैनेजमेंट विभाग से अरिंदम घोष। जोरदार तालियां अरिंदम के लिए, और तालियों में जाम होनी चाहिए वरना बार बार थाली बजानी पड़ेगी। तो चलिए अरिंदम को सुनते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या क्या राय है युवा दिवस को लेकर। The words just touched our mind as arise awake still, the good is not achieved. The one are not the martyrs and the philosopher, the thinker of our Indian society, and the martyrs that committed their life in the name of nation is one and all Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born in 12th January 1863 in the heart of Kolkata, and from the pious womb of the pious lady of Bhuneshwari Devi and Vishwanatha Datta, his father. Swami Vivekananda was basically believed on giving his confidence to the youth and believed in faith on the youth to building up the futures of the society. And if he is only truth and believe that if the education is only weapon that can save and mold their life and the society and eradicate the poverty of the society. Today it's only lots of day to celebrate the youth day as on the birth of National Swami Vivekananda, rather to implement and cultivate the ideology of him in their lives. And youth are the minds of the youth are the fire that should be kindled and not a vessel to be filled. Rather it should be spent their life in the positivity and not still in the negative paths at all. The education is the only weapon through which the poverty and the darkness of the society that can be eradicated, and the positivity and the spread of light of knowledge should be spread in the society. His belief in the youth to be success in positivity way, not in a negative habit that should be inculcated. He had attained not only named faith in the nation of India and also the abroad in America in the religious conference of Chicago, where his speech has motivated and molded the youth to the faith and to the success in the society. He had died at the early age of 39 years at 4th July 1902, but his name and the goodwill that's all over spread and written in the golden words in the history of the country. So it's a duty of the youth to not to celebrate this 161st birthday of Swami Vivekananda, and also to implement the positivity and its social truth and all of kind of its ideology that believes that he has think for the youth in the society. Thank you.